गाइज hey आज हम बात करेंगे कि अपने किसी भी फोल्डर को हम लॉक कैसे लगा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ये हमारा फोल्डर है हमने इसे लॉक लगाना है तो सिंपली इस पे राइट क्लिक करेंगे देन नीचे लिखा हुआ है एड टू आरकाइव ठीक है एड टू आरकाइव पे क्लिक कर देंगे अब इस पे क्लिक करते ही हमारे पास एक छोटा सा पैनल ओपन हो जाएगा सबसे ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है आरकाइव नेम ठीक है अब यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं जो भी इसमें नाम लिखना चाहिए आप वो यहाँ से लिख सकते हैं ठीक है हम इसका नेम यही रहने देंगे अब नीचे जाएं तो लिखा हुआ है सेट पासवर्ड राइट साइड तो लिखा हुआ है सेट पासवर्ड उस पर क्लिक करेंगे उस पर क्लिक करते ही नेक्स्ट एक पैनल ओपन हो जाएगा तो आप है हमारे पास लिखा हुआ एंटर पासवर्ड तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी हमने वन टू थ्री पासवर्ड एंटर कर दिया देन री एंटर पासवर्ड करेंगे ठीक है वो भी वन टू थ्री कर दिया देन यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे और इस पैनल में भी ओके पे क्लिक कर देंगे अब ये करते ही बेसिकली हमारे पास कंप्रेस्ड डिजीप फोल्डर एक क्रिएट हो जाएगा ठीक है अब पिछला जो हमारा फोल्डर है अब अगर हम चाहें तो उसे हम डिलीट भी कर सकते हैं उसे हम डिलीट भी कर दें और ये फोल्डर जब हम इसे ओपन करेंगे इसमें बेसिकली ये सारी फाइल्स हमारी अब जिस को भी ओपन करेंगे तो वो बेसिकली हमसे पासवर्ड मांगेगी पासवर्ड के, के बगैर कोई भी फाइल यहाँ से ओपन नहीं होगी तो इस तरह तो आप किसी भी फोल्डर को लॉक लगा सकते हैं अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम अपना पासवर्ड एंटर करते हैं एंड देन ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारी वो फाइल ओपन हो जाएगी तो इस तरह जब तक पासवर्ड आप अप्लाई नहीं करेंगे कोई भी फाइल आपकी ओपन नहीं होगी तो इस तरह बेसिकली आप अपने किसी भी फोल्डर को लॉक लगा के रख सकते हैं थैंक यू